अगर आप दिल्ली से हैं और नेम चेंज करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि दिल्ली में रहकर आप अपना नेम चेंज या नेम करेक्शन कैसे करवा सकते हैं। नेम चेंज और नेम करेक्शन करवाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स पे सबसे पहले आपके पास गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन है तो उसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे अपना नेम करेक्ट करवा सकते हैं। फिर चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स या अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है उसमें नेम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से आप बहुत ईजिली उसमें डॉक्यूमेंट में चेंजेस करवा सकते हैं। और फिर चाहे नेम के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम लाइक अगर आपके डॉक्यूमेंट में सरनेम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या मिडिल नेम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके फर्स्ट नेम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर फुल नेम ही आप चेंज करना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपना नेम अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं गजट नोटिफिकेशन होता क्या है। गजट नोटिफिकेशन एक सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल पर पब्लिकेशन होता है जो आपका हर एक स्टेट के लिए वैलिड होता है एंड हर एक डॉक्यूमेंट और हर एक डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होता है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपना नेम अपडेट करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, किस तरीके इसका क्या प्रोसेस होगा। सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले एक एफिडेविट बनवाना होता है जिसमें मेंशन होती है आपकी डिटेल्स, आपका सही नाम, आपका गलत नाम और आपका एड्रेस। दूसरा, दो हिस्सों में एड पब्लिकेशन होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट का एड्रेस होगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग हम दो हिस्सों में आपका एड पब्लिकेशन करते हैं, वो लोकल एंड नेशनल। उसमें वो सेम डिटेल मेंशन होती है जो डिटेल्स आपकी एफिडेविट पे मेंशन होती है। तीसरा, एक डिजिटल सीडी रेडी करते हैं। जैसे ही थ्री स्टेप्स आप कंप्लीट कर लेते हैं आपने अपनी फाइल के साथ अपनी आईडीज को अटैच करना है। आईडीज को अटैच करने के बाद आप फ्रंट पेज पे दो पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर सिग्नेचर करके आपने अपनी फाइल को गवर्नमेंट ऑफिस में जमा करवाना है। गवर्नमेंट ऑफिस में फाइल जमा करवाने के बाद कुछ समय के बाद जैसे ही गवर्नमेंट आपको सेंट्रल लेवल गजट नोटिफिकेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है उसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स पर अपना नेम अपडेट करवा सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।